वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्री क्लास, आज हमारा पैगाम है झूठ नहीं बोलना। क्या है? झूठ नहीं बोलना। आज हम उर्दू का सबक नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हमारा परचम। जिसका क्या नाम है? हमारा परचम। और इसका सफ़ा नंबर आप 29 ओपन कर लें, ताकि आपको रीडिंग की समझ आ सके। चलिए रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। दादा जान, दादा जान। तो बच्चों, आज मैं आपको पाकिस्तानी परचम की कहानी सुनाता हूँ। हमारा प्यारा परचम हमारे मुल्क की शनाख्त है। इस सबज हलाली परचम की तैयारी के सिलसिले में कायदे आज़म ने अपने साथियों के मशवरे से अमीरुद्दीन कदवाई से दरख्वास्त की के उभरते हुए पाकिस्तान के इक़दार को सामने रखते हुए एक ऐसा परचम बनाए जो मुसलमानों के साथ साथ अकलियतों की भी नुमाइंदगी कर सके। आमना, दादा जान ये भी बताएं कि इसमें सिर्फ सब्ज और सफ़ेद रंग ही क्यों हैं? क्वेश्चन मार्क में सवालिया निशान। दादा जान सब बताता हूँ बेटे, इसमें मौजूदा सब्ज रंग मुसलमानों और खुशहाली को सब, जबकि सफ़ेद रंग दूसरे मज़ाहिब के लोगों और अमन को जाहिर करता है। आमना, दादा जान आप चाँद और सितारे के बारे में भी बता दें। दादा जान बेटा सब्ज हिस्से के बिल्कुल दरमियान में हिलाल और 5 कोनों वाला सितारा होता है। सफ़ेद रंग का चांद तरक्की, जबकि सितारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता है। हसन, तो क्या ये बात भी परचम के एहतराम में आती है? एहतराम होता है कि किसी की इज्जत करना। वो कह रहा है कि ये परचम की इज्जत के लिए हम ऐसे करते हैं कि परचम को सूरज निकलने से पहले लगाना चाहिए और सूरज गरूब होने से पहले उतार लेना चाहिए। क्वेश्चन मार्क। दादा जान जी हाँ, और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि झंडियाँ ज़मीन पर इधर उधर ना गिरें। आप इन झंडियों को अगर किसी थैली में डाल लें तो बहुत ही अच्छी बात है। हसन, वाह दादा जान, इससे पहले तो हमें इन बातों का पता ही नहीं था। अब हम दोनों इन बातों का खास ख्याल रखेंगे। दादा जान, ये सब्ज हलाली परचम हमारे वतन की शान और पहचान है। कल भी बताया था आपको कि ये पहचान का मतलब होता है शनाख्त। ये सब्ज हलाली परचम हमारे वतन की शान और पहचान है। हमें इसकी सरबुलंदी के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए, ताकि इस पर बने चाँद और सितारे की रोशनी कभी कम ना पड़े। आए मजीद जाने, कौमी परचम को 14 अगस्त और तमाम कौमी त्योहारों पर लगाया जाता है। उम्मीद है कि आपको इस रीडिंग की समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है और लफ्ज़ों की पहचान करनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।